मथुरा में इस समय खेतों में आलू, सरसों और गेहूं की खेती लहरा रही है, लेकिन रजवा और बम्बे सूखे पड़े हुए हैं। घास और खरपतवार से अटे पड़े रजवा में पानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं मथुरा के जुलैनी माइनर की। गोवर्धन क्षेत्र के दर्जनों गांव के किसान सिंचाई के लिए जुलैनी माइनर पर निर्भर हैं। इन दिनों जुलैनी माइनर सूखा पड़ा है। काफ़ी दिनों से इसमें पानी न होने से किसान परेशान हैं। किसानों को चिंता सता रही है कि वे अपनी फसल में पानी कैसे देंगे। अकेले जुलैनी माइनर से ही दर्जनों गांव के किसान जुड़े हुए हैं। माइनर से हजारों एकड़ फसल की सिंचाई होती है, लेकिन इस समय माइनर में पानी आना तो दूर, उसकी सफाई तक नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि अभी माइनर में पानी आना तो दूर, उसकी सफाई तक नहीं हुई है। कब तक सिंचाई विभाग इसकी सफाई करेगा और कब माइनर में पानी आएगा? जुलैंदी रजवा में पानी न आने से अब किसान ट्यूबवेल पर निर्भर हो गया है। माइनर में पानी आने से सिंचाई में किसानों को लाखों रुपए का डीजल फूंकना पड़ेगा। किसानों ने बताया कि डीजल से सिंचाई करने पर सिंचाई की लागत करीब 4 गुना बढ़ जाएगी। कई किसानों ने नाले, रजवा और नहरों की सफाई न किए जाने के आरोप लगाए। मैं पानी ना आ रहा है, तो आलू और सभी खेती में पानी की जरूरत है। अच्छा, तो मतलब बम्बे में पानी नहीं आ रहा, इससे क्या नुकसान है? सब नुकसान है, जब फसल में पानी ना लगा तो फसल कहाँ से रही है। अच्छा, बोरिंग में चलाते हैं तो ज़्यादा पानी वो खर्चा होता है? ज़्यादा खर्चा हो, और हर एक के पास बोरिंग ना है, बढ़िया पानी ना है। अच्छा, और इससे याद हिसाब ना बम्बे से सिंचाई बढ़िया है जाए, फसल भी अच्छी होती है। फसल भी अच्छी होती। जिला सिंचाई बंधु संगठन के उपाध्यक्ष ने बताया कि सिंचाई विभाग ने रजवाड़ा नालों की सफाई तक नहीं कराई है। नालों की सफाई न होने से ओलावृष्टि के समय किसानों के खेतों से पानी नहीं निकल पाया, जिससे लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई, और अब रजवाओं में पानी न होने से फसल पर सूखे का खतरा है। वहीं एक किसान ने नाराजगी जताई कि चुनाव आता है तो रजवाओं में पानी आता है, नहीं तो रजवा सूखा ही पड़ा रहता है। जब इस संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की तो सिंचाई विभाग के अधिकारी यह कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए कि अभी हम दूसरी साइड पर हैं और आकर मुआयना करने के बाद ही इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। देखिए, अभी माइनर की सफाई नहीं हुई है और पूरे ज़िले में ये हाल है कि माइनर जितनी भी हैं उनकी साफ सफाई का लगभग 60% काम नहीं हो पाया है, और ये लोग चाह रहे हैं जल्दी से पानी आ जाए और जो है फिर सब बराबर हो जाए। तो अब किसानों को भी पानी चाहिए, वो कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से इसमें पानी नहीं आया। किसान, वो मेरे पास भी बहुत खबरें आ रही हैं, बहुत सारी माइनर से किसान बेहद परेशान है। फसल जो है उपज के तैयार है और लोगों को भूड़ बननी है उसकी, और उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, मेरी जानकारी में है। तो अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं? देखिए, है क्या कि जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, जैसे SDOs हैं, JEs हैं, वो अपने काम पे मुस्तैद हैं, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं है 2 रुपये अपनी मर्जी से कहीं खर्च करने का। लेकिन जो आला अधिकारी हैं, उन पर कान पर कोई भी जू नहीं रह रही है। वो लगातार विधायक गणों के माध्यम से, मेरे माध्यम से शासन को भी अवगत कराया जाता रहा है, लेकिन वो डाक के 3 पास साबित हो रहा है।